दिवन कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस चैनल में पहले भी कई बार रेकी हीलिंग के केसेस डिस्कस करते आ रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से रेकी हीलिंग जो है न केवल बीमारी को दूर करती है और उसके रूट कॉज यानी उसको जड़ से दूर करने में हमें मदद मिलती है। जैसे कि जो कारण से बीमारी पैदा हुई है वहाँ भी हमें उसे ठीक करने में सफलता मिलती है। और जैसा कि मैं पिछले कई वर्षों से एज ए रेकी मास्टर काम कर रहा हूँ, रेकी हीलर काम कर रहा हूँ, और साथ ही मैं एज एस्ट्रोलॉजर भी काम कर रहा हूँ, और ज्योतिष की मदद से भी मैंने जिस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुँचाया है, तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ में उसी को शेयर करना चाहता हूँ कि एक ऐसा केस है जो कि न केवल रेकी हीलिंग में से हमें मदद मिली, साथ ही ज्योतिष का भी हमने उसमें सहायता ली थी। और इस केस में हमें एक बड़ी समस्या जो थी वो काफ़ी जल्दी सॉल्व होने हो गई थी। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो एक कपल आए मेरे पास, उन्होंने पहले फ़ोन पर कांटेक्ट किया था कि उनका एक बड़ी समस्या है, वो मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप आइए। और जब वो आए तो वो बहुत परेशान थे सेंटर पर। वो हस्बैंड वाइफ जब बैठे सामने, उनकी वाइफ इतना परेशान थी कि वो खड़े हो जाती और इधर उधर चलने लगती। और उन्होंने बताया बोलते बोलते कि उसी दौरान कि उनका बेटा जो है वो घर छोड़ करके चला गया है, और साथ में जो उसके जो बुक्स हैं और जो उनकी उसकी बाइक है वो वहीं कॉलेज के पास में कहीं छोड़ करके वो चला गया है। और मैंने उनको कहा कि रेकी हीलिंग बिल्कुल काम करती है, आप परेशान मत होइए और रेकी हीलिंग से आप बिल्कुल फ़ायदा ले सकते हैं। और उनकी जो वाइफ की वो हालत इतनी ख़राब थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि हम एक गाय अपने बछड़े को जिस तरह से ढूंढती है और गलियों में घूमती है, वो उसी तरह से वो परेशान मुझे दिख रही थी। और मैंने उनको कहा कि रेकी हीलिंग आपके बेटे को तो मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वो मुझसे नहीं मांग रहे, पर मैं आपको रेकी दे सकता हूँ कि आपका बेटा वापस आ जाए और वो रेगुलरली अपना जीवन में वापस रूटीन में लाइफ में उसे मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और उन्होंने रेकी लेना शुरू किया। साथ ही मैंने उनको कहा कि जैसे मैं किसी को फोर्स नहीं करता, पर अगर आप चाहें तो एस्ट्रोलॉजी का भी हम कुछ सपोर्ट ले सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी काउंसलिंग जैसे मैं करता हूँ लोगों की, तो उसके बेसिस पर भी हम इस केस को सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम ऐसा करते हैं, और आप पत्रिका देखिए लड़के की। तो मैंने उसकी पत्रिका देखी और मुझे एक ये भी समझ में आया कि इसका वापस आने का योग अभी बन रहा है। तो उन्हें मैंने कहा कि इसमें पॉजिटिव चांसेस दिख रहे हैं और हम इसके इसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि वो लड़का वापस आपका आएगा, और हम रेकी कंटिन्यू करते हैं कि हमें ये पॉजिटिव फोर्स उसे हमें मिलता रहे। और मैंने एक मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप मैसेज पे सेव कर दिया कि इनका बेटा अगली कुछ तारीख में आने वाला है। एक्चुअली बात पिछले सिंहस्थ की है, जबकि सेहत के दौरान ही वो घर छोड़ करके गया था, और करीब वो 10-12 दिनों के बाद वो आए थे सेहत शुरू होने के बाद। तो उन्होंने यही कहा कि वो, और मैंने पत्रिका से देखकर ये कहा कि ये शायद किसी पानी वाली जगह पर निश्चित तौर पर गया है। तो उन्होंने मैं कहा हो सकता सेहत गया हो या इंदौर शहर की बात है जैसे, तो भोपाल गया हो या मुंबई गया हो। तो उन्होंने कहा कि वो एक्चुअली खाने पीने का उसे थोड़ा शौक है, तो नॉर्मल ऐसे सिंहस्थ या ऐसी जगह नहीं जाएगा जहाँ की उसे खाने में कोई दिक्कत आए, या वो प्रॉपरली ऐसे कोशिश करेगा कि अच्छी जगह हो भोजन वगैरह। तो मैंने कहा ठीक है, हम रेकी करते हैं। फिर रेकी की, और रेकी के बाद में उनकी वाइफ को भी यही महसूस हुआ कि लड़का मुंबई में है और वो भोपाल या ऐसी जगह पर नहीं है, वो मुंबई में ही मौजूद है। और उन्होंने बताया कि मुझे फील हो रहा है कि वो काफ़ी दूर है अभी हमसे। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपको भी ऐसा महसूस होने लगा रेकी के दौरान। और करीब 2 दिनों तक हम लोग और रेकी करते रहे, और फिर मैंने जो मैसेज सेव किया था तो मुझे लगा कि शायद अभी तक ये आया नहीं, मुझे पता नहीं चल पाया। तो हम लोग रेकी कर रहे थे और मैं भी थोड़ा इस बात से सेटिस्फाइड था कि अच्छा हुआ कि मैंने इन्हें कंफर्म नहीं बोला कि इनका बेटा वापस अभी आने वाला है या आ गया होगा। और थर्ड डे की बात हो गई है कि जो उनके हस्बैंड है उन्होंने मुझे फ़ोन किया
और सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा कि हम रेकी लेने आना चाहते हैं और बधाई भी दी कि हम रेकी शक्ति के बहुत आभारी हैं और इस कारण से मेरा बेटा जो वापस आ गया। फिर वो अपने बेटे को भी साथ में लेकर के आए और बेटे को भी उन्होंने 7 डेज तक रेकी हीलिंग दिलाई। और ये क्वेश्चन में जैसे एस्ट्रोलॉजी और रेकी हीलिंग दोनों की मदद से हमें सफलता मिली थी।